हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेन, किस तरीके से आपको इसको लगाना है, कैसा वर्क करता है, कैसा रिजल्ट है इसका, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिटेन क्या होता है। तो डिटेन एक फेस पैक जैसा क्रीम रहती है, आपका फेस पैक रहता है उसी टाइप से रहता है डिटेन, और उसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। 15 से 20 मिनट आपको वेट करना होता है, उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। एंड उसके बाद डिटेन का क्या काम होता है, तो डिटेन आपकी जो टैनिंग है उसको काफ़ी हद तक रिमूव करता है, एंड अगर आपकी स्किन डल हो रही है, स्किन अनइवन हो रही है, तो उसको भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और मैं कौन सा यूज़ करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टैन कर रही हो उनको, अगर उन्होंने आपसे बोला है कि मुझे जलन हो रही, तो हल्की फुल्की जलन उसमें होती है, बट अगर आपका क्लाइंट ऐसे बोल रहा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझसे मतलब सहा नहीं जा रहा है, तो उसको आपको तुरंत के तुरंत आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये लगाने के तुरंत बाद में ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं यार जलन हो रही है, बट जो थोड़ी जलन होती है वो नॉर्मल है, बट अगर आपके क्लाइंट को ज़्यादा हो रही है तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो इसको आप कैसे लगाते हो वो मैं आपको बताऊंगी, एंड इसको लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, मेरे पास ये रागा का डिटेन है, बहुत अच्छा डिटेन है, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और मेरे पास ये डब्बा है, अगर आप पर्सनली यूज़ के लिए ले रहे हो तो इसमें सैसे भी आते हैं, एक बॉक्स आता है जिसमें आपको 4 या 5 पाउच मिल जाते हैं। अगर आप पर्सनली ले रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप वही लो, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा लेने के बाद में आपका इतना यूज़ नहीं होगा और वेस्ट हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा। एंड उसमें 4 या 5 पाउच निकलते हैं, तो आपको एक पाउच आपको सिंगल यूज़ के लिए रहता है, उसमें इतनी क्वांटिटी रहती है कि आप उसको एक बार में अच्छे से लगा पाओगे। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डिटेन। आप डिटेन कोई सा भी ले सकते हो, बहुत सारे आते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं तो सबको राधा का ही डिटेन लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आपको चाहिए एक डिटेन क्रीम, एंड उसके बाद आपको चाहिए क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क आप कोई सा भी कंपनी का ले सकते हो, एंड आपको चाहिए एक ब्रश जिससे आप डिटेन को अप्लाई कर सको, एंड उसके बाद आपको चाहिए इस टाइप का एक बेल्ट जिससे आप अपने क्लाइंट के जो हेयर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सको, और ताकि हेयर्स पर भी आपको क्रीम बिल्कुल भी न जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जिनका भी आप कर रहे हो, यहाँ पर मैं खुद के ही फेस पर आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको डिटेन करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई है, बट अगर आप क्लाइंट के भी कर रहे हो तो क्लाइंट के फेस पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको क्लींजिंग मिल से क्लीन करना है। क्लींजिंग मिल से क्लीन करना कंपलसरी है। आप कुछ भी करते हो, आप फेशियल करते हो, आप ब्लीच करते हो, या फिर मेकअप स्टार्ट करते हो, उससे पहले अच्छे से क्लाइंट का जो फेस है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पर आपको क्लींजिंग मिल्क लेना है और उससे अपने क्लाइंट के जो है फेस को बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैं खुद ही करूँगी अपने ऊपर, तो वो सारी अर्जेंट में कहीं जाना होता है तो नहीं, पार्लर वगैरह सैलून वगैरह नहीं जा पाते, तो खुद से भी आप घर पर डिटेन कर सकते हो, तो वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस टाइप की एक टॉवल ले लेना है, और उसको आपको जिनका भी आप ब्लीच या फिर डिटेन जो भी कर रहे हो उसको आपको उनके इस तरीके से कपड़ों पर इस तरीके से आपको लगा लेना है, क्योंकि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिटेन करवाते हैं तो वो कपड़े वगैरह आपको चेंज नहीं करते, बोलते हैं आप तो ऐसे ही कर दो, तो उनके कपड़े गंदे ना हो इसके लिए आपको इस टाइप से आपको कर लेना है, ताकि जो भी होगा क्रीम वगैरह जो भी अगर थोड़ा बहुत लगेगी भी तो उनके कपड़ों पे नहीं लगेगी, जो आपकी टॉवल है इस पे लगेगी। उसके बाद आपको चाहिए इस टाइप का बेल्ट, इस तरीके से आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्लींजिंग मिल्क लेना है,
इसको 2 मिनट तक करना है एंड उसके बाद आपको क्लींजिंग मिल्क को स्पॉन्ज या फिर फेशियल टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ पर फेशियल टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्लीनिंग मिल से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर डिटेन पैक लगाऊंगी एंड उसके बाद देखिए ये मैंने स्पैचुला लिया है। ये हेल्प से मैं आपको क्वांटिटी कम ही लेना है, इतना इनफ है, ये इतना मेरे फेस पे हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये ब्रश जिसकी हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँ। आप चाहो तो इसमें रोज़ वाटर मिला सकते हो, आप चाहो तो टोनर मिला सकते हो, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली इसको तरीके से अप्लाई। आपको ब्लीच या डिटेन आप कुछ भी लगाओ, आपको हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लगाना है। कोई भी आप फेस पैक भी लगाते हो तो आपको नीचे से ऊपर की साइड लगाना है। और आपको एक बात और बतानी है, डिटेन लगाने के बाद में आपको बोलना नहीं है जब तक आपका जो डिटेन है, मतलब 15 से 20 मिनट तक आपको चुप रहना है, आपको बोलना नहीं है। इवन आप जब भी कोई फेस पैक भी लगाते हो तो भी आपको फेस पैक लगाने के बाद में शांत रहना है, आपको बोलना। देखिए मैंने यहाँ पर अपने डिटेन को क्लीन कर लिया है और अभी मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाया है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है एंड उसके बाद आप जिनका भी डिटेन कर रहे हो उनसे आपको बोलना है 24 आवर्स तक आपको ना सोप या फिर फेस वॉश कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है अपने फेस पर। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।